अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कांस्टेंट तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर द वर्ड हुज मीनिंग्स हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी कंपेलर। कीवर्ड्स जो है उसका मीनिंग हमें पहले से ही सी कंपेलर ने एक्सप्लेन किया होता है। द वर्ड द की वर्ड कैन नॉट बी यूज एज द वेरिएबल नेम। की वर्ड जो है वो वेरिएबल में यूज नहीं होता है। इफ़ वी ट्राई टू डू सो वी आर ट्राइंग टू साइन न्यू मीनिंग टू द की वर्ड। अगर हम ट्राई करेंगे तो हमें उसका की वर्ड्स का नया मीनिंग मिल जाएगा। द की वर्ड आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। की वर्ड जो है हम पहले से ही रिजर्व वर्ड से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, फॉर इफ स्टैटिक वेल डू ब्रेक, ये सारा क्या है वर्ड की वर्ड का एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है वेरिएबल पे जो सी में होता है। वेरिएबल इज एन एंटिटी हुज वैल्यूज कीप्स ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। वेरिएबल्स जो है वो हम प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। एज वी ऑल नो डाटा इज स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि हम सबको पता है कि डाटा जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में ही सेव होता है। अ वेरिएबल नेम ऑल्सो कॉल इट एज Identifier is an identity that point to a particular memory location. हमें पता यहाँ पे क्या वेरिएबल जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं, जिसका एक पॉइंट एक पर्टिकुलर उसका पॉइंट जो है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी एक लोकेशन में होता है। वेरिएबल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वेरिएबल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ए वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर। अल्फाबेट्स के जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम अलग अलग चीज़ों में मिला सकते हैं, मिल के बना सकते हैं, जैसे कि अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर ये सारा। सम कंपेलर अलो वेरिएबल नेम हु लेंथ कूड बी अप टू 247 करेक्टर्स। कुछ कंपेलर जो है वो हमें पूरे लेंथ को 247 करेक्टर्स में अलाउ करते हैं। स्टिल इट वुल बी सेफर टू स्टिक टू द रूल ऑफ 31 करेक्टर। बट उसका रूल जो है वो 31 करेक्टर्स में ही सेफ होता है। Please avoid creating long variable name as it added to your typing effort. हमें उस जब हम उसको बना रहे हैं variable name को बना रहे हैं तो हमें उसमें long जो है वो उसको हमें avoid करना है। Add your typing effort. जब हम वहाँ पर type कर रहे हैं, The first character of the variable name must either be alphabet or underscore. हमें उसका वेरिएबल नेम का सबसे पहला जो करेक्टर है वो हमें अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर में ही लिखना है। इट शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। हमें ये डिजिट्स में स्टार्ट नहीं करना है। नो कॉमास, कॉमास में कोई कॉमा नहीं, एंड ब्लैंक्स, कोई ब्लैंक्स नहीं होना अलो इन दी वेरिएबल्स। ये सारा जो है वेरिएबल्स में अलो नहीं होता है। नो स्पेशल सिंबल्स, कोई स्पेशल सिंबल्स नहीं होता है अदर देन अंडरस्कोर, जैसे कि अंडरस्कोर आर अलो इन दी वेरिएबल। अंडरस्कोर जो है वो वेरिएबल्स में अलो होता है। वी नीड टू डिक्लेयर, हमें उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत होता है द टाइप ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की टाइप्स को नेम बिफोर मेकिंग, हमें उसको वेरिएबल्स को बनाने से पहले हमें उसकी टाइप्स के बारे में जानकारी होना, जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसके बारे में जानकारी होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज इंटीजर फॉलोइंग द बिलो सेंटेक्स। इंट वेरिएबल नेम, यहाँ पे इंट वेरिएबल नेम दिया गया है। अब ये क्या है? हेयर इंट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल। इंट जो है वो वेरिएबल का एक टाइप है। नेम इन डिनेट इन इंटीग्रेटेड, नेम जो है वो इंटीग्रेट हुआ, किस में? डिनेट्स में इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेट टाइप। ये जो है इंटेक जो है डिनेट्स इंटीग्रेट टाइप, यहाँ पे इसका एक टाइप्स है। फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे इसका कुछ स्टेटमेंट दिया है। एग्जाम्पल एनटीपी एन फ्लोट आर, ये सारा जो है वो वेरिएबल्स का टाइप्स है। एनटी फ्लोटा ये सारा। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।